प्लस टीवी चैनल। हिमाचल प्रदेश में 75% स्वर्ण समाज हैं और इस समाज को उसका हक दिलाने के लिए कुल्लू जिला के जितेंद्र राजपूत कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं हिमाचल के दौरे पर आए राष्ट्रपति तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के माध्यम से शिमला में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता में जितेंद्र राजपूत ने कहा कि स्वर्ण आयोग के गठन के लिए वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारे भारत के माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, तो सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है कि वह कल शिमला को कूच करेगी और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मिलकर के यह मांग करेगी कि हिमाचल प्रदेश के 75% स्वर्ण समाज के लिए स्वर्ण आयोग का गठन करके उनको जल्द से जल्द दिया जाए। देखिए, ये तो मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि ये राजनीतिक सोच से ग्रसित होकर के यह लोग यह निर्णय ले रहे हैं कि इन लोगों को हिमाचल प्रदेश का 25% वोट तो दिखाई दे रहा है दूसरे समाज का, लेकिन हिमाचल प्रदेश का 75% वोट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको भी ज्ञात है कि इसके पीछे जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो हमारे स्वर्ण समाज की, जो 75% है ये बटा हुआ है कोई भाजपा में और कोई कांग्रेस में, कोई आम में और कोई कॉमरेड में। तो इसलिए उनको लगता है कि ये बटा हुआ समाज है, ये हमारे साथ नहीं चलेगा, जब तक ये एकजुट नहीं होगा तब तक हम लोग भी डिले बढ़ रहेंगे। तो इसलिए मैं आह्वान करता हूँ आप सभी प्रेस बंधुओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के समस्त स्वर्ण समाज के भाई बंधु और परिवारों से कि स्वर्ण समाज की यही पुकार, स्वर्ण आयोग अब की बार, हम सब ने मिलकर ठाना है स्वर्ण आयोग बनाना है, तिलक तराजू और तलवार, एकजुट हो जाओ अब की बार। स्वर्ण समाज की यह चित्कार सुन ले ऐ प्रदेश सरकार, अन्यथा होगा तेरा चुनावों में पूर्ण बहिष्कार। तो जब तक हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज एकजुट नहीं होगा, प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वह हमारी मांगों को कभी भी पूरी नहीं करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने आज सदन में एक बात कही कि हम हिमाचल प्रदेश के सभी समाज के समग्र उत्थान के लिए जिम्मेदार हैं और हम सभी के हितों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बताना चाहूंगा कि आप स्वर्ण समाज के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, चाहे शगुन योजना की बात हो, चाहे ओबीसी आयोग की बात हो, तो चाहे स्वर्ण आयोग की बात हो। तो आप सबके माध्यम से यही कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को और महान माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को कि प्रदेश की स्वर्ण समाज की पुकार को सुन लिया जाए और हमारे संवैधानिक अधिकार को हमें प्रदान किया जाए, हमें हमारा स्वर्ण आयोग गठन करके दिया जाए।